हाँ जी, तो वो बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है कि आखिर T20 वर्ल्ड कप में पांड्या जाएगा या दुबे। कई लोग कह रहे हैं कि पांड्या तो बॉलिंग भी करता है, दुबे जी बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर पांड्या जैसी बॉलिंग करानी है तो इससे तो बेहतर यही होगा कि ना ही बॉलिंग कराओ। मतलब एक मैच में 40 रन पड़वा रहे हैं, फिर 30 रन पड़वा रहे हैं। मतलब बॉलर हैं कि लुटे पिटे बॉलर, समझ में नहीं आ रहा। बैटिंग में उतने रन बना नहीं रहे जितने कि बॉलिंग में पिटवा दे रहे हैं पांड्या भाई साहब। लेकिन शिवम दुबे को लेकर इस समय हल्ला काफी तेज हो गया है। चाहे आप माइकल वॉन की बात कर लें, माथ्यू राइडू की बात कर लें, इरफान पठान की बात कर लें, हर कोई इस समय सिर्फ शिवम दुबे का ही नाम ले रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मैच दर मैच शिवम दुबे ने इस बार जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है ये बताने के लिए काफी है कि शिवम दुबे आने वाले समय का एक ऐसा बैट्समैन बन सकता है जो कि आपको एक नहीं बल्कि कई सारी बड़ी पारियां देकर जाएगा। कई लोग हैं जो इस बात को शायद मानेंगे नहीं है, इस बात से इत्तफाक नहीं रखेंगे, बट स्टिल जो चीज है वो चीज है, आप उसको कब तक इग्नोर कर सकते हो। माइकल वॉन ने कहा है कि भैया अब अगर आप शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। दरअसल शिवम दुबे को अब सिर्फ ना सिर्फ 15 लोगों की टीम में शामिल किए जाने की बात चल रही है, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि भैया अब इस बंदे को आप सिर्फ 15 में नहीं बल्कि 11 में भी इंक्लूड करो। अब वो चीज नहीं चलने वाली कि हाँ ठीक है तुमको 15 में लेकर हम एक्स्ट्रा में खिलाएंगे, नहीं, हाँ वो चीज नहीं चल पाएगी। और इसीलिए शिवम दुबे की वकालत करने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में भारत की जो T20 वर्ल्ड कप की टीम है उसके सिलेक्शन की भी घोषणा कर दी जाएगी, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवम दुबे को जरूर सिलेक्ट किया जाएगा। और जैसी मौजूदा परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की रही है उसके बाद तो फिर हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन अगर हो गया तो सवाल जरूर उठेंगे। इरफान पठान ने भी शिवम दुबे को लेकर काफी बातें बताई और कहा कि भाई इस तरह के प्लेयर को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अब इग्नोर करने वाली तो हालत बची ही नहीं है। प्लस राइडू ने कहा कि जिस तरह का ऑरा इस समय शिवम दुबे ने सेट कर दिया है वो वाकई में बॉलर्स के बीच में खौफ पैदा करने के लिए काफी। दरअसल इन सब बातों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आया ना वो था कल MI की दुबे को लेकर जो स्ट्रेटेजी थी उसके बाद में। दरअसल अब ये बात IPL में फैल चुकी है बुरी तरीके से कि शिवम दुबे जो है वो स्पिनरों को बहुत गंदा कूटता है। तो ऐसे में कल हार्दिक पांड्या ने कहा कि भैया अब हम इसके सामने स्पिनर लगाएंगे ही नहीं। लेकिन समस्या यही है, शिवम दुबे को क्योंकि इस बार स्पिनर उतने खेलने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो वो पेस बॉलर के खिलाफ ही बढ़िया खेल रहा है। जो एलिगेंस शॉट होते हैं ना एक लेफ्टी के, वही खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि कल के मैच में भी शिवम दुबे ने जो परफॉर्मेंस दी है वो वाकई में अनमैचेबल थी। शिवम दुबे जब बैटिंग करने के लिए आया तब स्पिनर्स को हटा लिया गया, आकाश ने बॉलिंग करी, बुमराह ने बॉलिंग करी, खुद हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करने के लिए आ गए। बट किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिवम दुबे को रोका कैसे जाए। जो बैट्समैन के बारे में कहा जा रहा था कि भैया ये स्पिनरों को कूटता है, उसने धीरे धीरे पेस बॉलर्स को भी कूटना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि MI मिडिल ओवर्स में रन रोक नहीं पाया। बाद में इस चीज को लेकर पोस्ट मैच प्रिपरेशन सेरेमनी में हार्दिक पांड्या से बात भी करी गई कि भाई शिवम दुबे को लेकर जो आपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी क्या वो आपको गलत पड़ गई, उल्टी पड़ गई। तो पांड्या ने बड़ी ही ठसक से कहा कि देखिए ऐसा है, स्ट्रेटेजी जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ही काम कर जाए। अब क्या भरोसा, अगर हम उसके सामने स्पिनर लगा देते तो और रन बना देता या हो सकता है वो आउट भी हो जाता, तो ये इफ एंड बट वाली बात है। लेकिन हमने जो किया वो ठीक किया, हम उसी के ऊपर स्टक रहेंगे। अब हार्दिक पांड्या के ऐसे कह देने से तो बात खत्म होने ही जाती, क्योंकि तो शिवम दुबे ने जो परफॉर्मेंस दी है वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पांड्या को ही वर्ल्ड कप में दुख देने वाली है। कल जब पांड्या बॉलिंग करने के लिए आए बुमराह के ओवर के बाद में कि चलो भैया अब हम बॉलिंग डालेंगे, तब शिवम दुबे ने इनको कूटना शुरू कर दिया। बुमराह ने जो प्रेशर बनाया हुआ था कहीं ना कहीं उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए शिवम दुबे ने ये पूरी टैक्टिक्स अपनाई। और वहीं पर पांड्या सोच रहे थे कि मैं जो हूं ये शिवम दुबे का विकेट निकाल लूंगा। देखिए सुर्खियां बनती हैं इन चीजों की, ये बात तय है, सुर्खियां ही बननी थी लेकिन बन नहीं पाई, सुर्खियां उल्टी बन गई। शिवम दुबे ने जिस तरीके से कल कुटाई करी है उससे एक बात प्रूव होती है कि शिवम दुबे इज वर्ल्ड कप रेडी फॉर टीम इंडिया। सिंपल सी बात है, धोनी की मेंटरशिप के अंदर जिस तरीके से ये खिलाड़ी इवॉल्व हो रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अगर हम शिवम दुबे की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो RCB के खिलाफ बंदे ने 28 बॉलों में 34 रन बनाए, GT के खिलाफ 23 बॉल्स में 51 बनाए, 221 का स्ट्राइक रेट रहा, DC के खिलाफ रन अ बॉल इनिंग खेली, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 24 बॉल्स में 45 रन बनाए, 187 का स्ट्राइक रेट रहा, KKR के खिलाफ 18 बॉल में 28 बनाए, 155 का स्ट्राइक रेट रहा, और कल 38 बॉल में 66 रन। मतलब एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस यहां पर निकल कर आ रही है, हर मैच में कॉन्ट्रीब्यूशन निकल कर सामने आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ना, आपका जो आपके जो चिप्स हैं वो महंगे होंगे, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है टीम सिलेक्शन की वो बढ़ेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या इस समय 3 मोर्चों पर घिर रहे हैं, पहली कप्तानी, दूसरी बैटिंग और तीसरी बोलिंग। और इन तीनों ही मोर्चों के ऊपर हार्दिक पांड्या को खासा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालांकि
मुंबई ने दो मैच जीत जरूर लिए थे, बट अब आखिरी का मतलब दिल्ली और आरसीबी के खिलाफ इन्होंने मैच जीते थे, बट राजस्थान और सीएसके के खिलाफ ये घर में ही मैच हार भी गए, तो इससे इनकी पटरी गाड़ी जो है पटरी पर आते आते ऐसा लग रहा है रह गई है। पांड्या की अगर हम एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो पांड्या ने एक मैच में ये 3 ओवर डाले, 30 रन दिए और रन बनाए 11, फिर 4 ओवर में 46 रन दिए और रन बनाए 20 बॉल में 24, इसके बाद में जो तीसरा मैच हुआ उसमें तो कोई बॉलिंग ही नहीं डाली और 21 बॉल में 34 रन बनाए, इसके बाद डीसी के खिलाफ 33 बॉल्स में 39 रन बनाए जो कि नाकाफी से थे, एंड आरसीबी के अगेंस्ट इन्होंने 6 बॉलों में 21 रन पेल दिए, बट उस मैच में हर एक प्लेयर आकर रन बना रहा था, और सीएसके के खिलाफ इन्होंने 3 ओवर में 43 रन दिए और रन तो बनाए 6 बॉलों में 2। अब ये जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को आप आखिर जस्टिफाई कैसे करोगे, सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि आप यहां पर किन चीजों को कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शिवम दुबे हैं जो कि कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल में मैच दर मैच, और एक तरफ हमारी तरफ यहाँ पे हार्दिक पांड्या बैठे हुए हैं जिनको कि बीच में खबर चल रही थी कि भैया भारतीय क्रिकेट टीम का नियमित कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन नियमित कप्तान तो उसको बनाया जाता है जो नियमित तौर पर खेले, ये महाशय तो खेल ही नहीं पा रहे हैं, और जो बंदा खेल नहीं रहा है, अब आप मुझको बताओ ना, जो बंदा खेल नहीं रहा है वो आखिर कैसे सर्वाइव करेगा। और यही कारण है कि इस समय T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को टीम सिलेक्शन में जगह तक मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। प्लेयर्स किस समय भरमार है, ऐसा लग रहा है कि हर एक प्लेयर दरवाजा ठोक रहा है टीम इंडिया का कि भैया हमको ले लो, और जब ये कंडीशन आ जाती है तो कई सारे ऐसे लोग जो खुद को अपना आपको एक पका हुआ चावल मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी दाल भी बिगड़ जाती है और वो लोग टीम सिलेक्शन के लिए काफी ही नहीं रह जाते। हार्दिक पांड्या के सामने इस समय सबसे बड़ी यही एक समस्या है कि वो इस पूरी सिचुएशन को आखिर कैसे टैकल करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस सिचुएशन को सही तरीके से टैकल नहीं किया पांड्या ने तो ऑब्वियस ही बात है आने वाले समय में उनके सिलेक्शन के ऊपर काफी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। एक के बाद एक लगातार जिस तरीके से बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस निकलकर सामने आ रही हैं, उससे भी सिलेक्टर्स का जो ध्यान है वो पांड्या की तरफ से हट रहा है, प्लस जो नेगेटिविटी चल रही है वो अलग। विराट कोहली ने भी जो बोला था पांड्या को लेकर कि भैया मैदान पर दर्शक उनको बू ना करें, उसका कोई काम नहीं हुआ, सीएसके के खिलाफ उतना ही ज्यादा पांड्या को बू किया गया, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पांड्या के लिए नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल रही है। ठीक वैसे जैसे कल के मैच में हमने देखा कि आखिरी ओवर में पांड्या को अच्छे खासे रन पड़ गए, और जब रन पड़ गए उसके बाद में पांड्या की जो कैप्टेंसी थी वो भी उतना ज्यादा इफेक्टिव रह नहीं गई। सूर्य कुमार यादव भी कल डक पर आउट हो गए, पथी राणा ने कल शानदार बॉलिंग कर दी, महेंद्र सिंह धोनी की जो टैक्टिक्स थी वो बिल्कुल कारगर साबित हुई। तो ऐसे में एक के बाद एक काफी सारी चीजें यहां पर हार्दिक पांड्या के साथ इस समय हो रही हैं, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि यार आखिर हार्दिक पांड्या जो है इन प्रेशर से दूर होकर एज अ प्लेयर अगर खेलना शुरू कर तो शायद बेहतर होगा। जीटी में जितने पावरफुल कप्तान लगते थे उतने ही कमजोर कप्तान अभी एमआई में लग रहे हैं। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के साथ ही सवाल ये खड़ा होना शुरू हो चुका है कि शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या, इन दोनों में से कौन, जो भी कोई खेलेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी जरूर रहेगी, बट सबसे बड़ी बात यही है कि परफॉर्मेंस जब आप दोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। क्या कहना है आप लोगों का इस विषय में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।